Vishnu, Tvam Rudra, Tvam Indra, Tvam Agni, Tvam Vayu, Tvam Surya, Tvam Chandrama, Tvam Brahma Bhurbhuvasvarom. Garadim Purvam Uccharya, Varnadim Tadanantaram, Anusvara Parataraha, Ardhendurasitam, Tarena Ruddham, Etattava Manusvarupam, Gakara Purvarupam, Akara Madhyamarupam, Anusvarashchantyarupam, Bindurutararupam, Nada Sandhanam, Sahita Sandhihi, Saisha Ganesha Vidya, Ganaka Rishihi, Nichyat Gayatri Chandaha, Ganapatir Devata, Om Gam Ganapataye Namaha, Vigradantaya Vidmahe, Vakratundaya Dhimahi, Tanno Danti Prachodayat, Ekadantan Chaturhastam, Pashamam Kushadharinam, Radanchavaratam Hastay, Vibhranam Mushakadvajam, Raktallam Bodaram Shurpakarnakam Raktavasasam, Raktagandhanu Liptangam, Raktapushpaitsu Pujitam, Bhaktanukam Pinandevan, Jagat Karanam Achyutam, Avirbhutam cha Srushtyadav, Prakrute Purushatparam, Evam Dhyayati Yo Nityam, Sayogi Yoginavarah. Namo Ghatapataye, Namo Ganapataye, Namah Pramathapataye, Namaste Astu, Lambodarayaikadantaya, Vignanashine Shivasutaya, Shri Varadamurtaye Namo Namaha. Sankatanashanam Shri Ganapati Stotram. Pranamya Shirasa Devam Gauri Putram Vinayakam Bhaktavasam Smarin Nityam Ayushkamartha Siddhaye Prathamam Vakratundancha Ekadantam Dvitiyakam Tritiyam Krishna Pingaksham Gajavaktram Chaturthakam Lambodaram Panchamancha Shashtam Vikatamevacha Saptamam Vignarajendram Dhumravarnam Tathashtamam Navamam Bhalachandrancha Dashamantu Vinayakam Ekadasham Ganapatim Dvadashantu Gajananam Dvadashaitani Namani Trisandhyam Yappathinnaraha Nacha Vignabhayan Tasya Sarvasiddhikara Prabho Vidyarthi Labhate Vidyam Dhanarthi Labhate Dhanam Putrarthi Labhate Putran Mokshaarthi Labhate Gatim Japet Ganapati Stotram Shadbhirmasai Phalam Labhet
संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनम् श्री गणपतिस्तोत्रम् संपूर्णम् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्रिते प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमंत संत हितकारी सुनिली जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महा सुख दी जय। जैसे कूद सिंधु मही पारा सुरसा पदन पैठ विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुर लोका जाय विभीषण को सुख दीना सीता ने रखी परम पद लीना पादू जारी सिंधु मह बोरा अति आतुर जम कातर तोरा अक्षय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जड़ गई जय जय धुन सुर पुर मह भाई अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करम पुर अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होए दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भट नागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैर ही मारू बज्र की कीले गदा बज्र लय बैर ही मारो महाराज प्रभु दास उबारो ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदा हनु विलंब न लावो ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरि उर शीसा सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाए के जय 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 हनुमंत अगाधा पावत जन के ही अपराधा पूजा जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा वन उपवन मग गिर गृह माही तुम्हारे बल हम डरपत नाही पाए परो कर जोरी मनावो यही अवसर अब कही कोहरामो जय अंजन कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता बदन कराल काल कुल भालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हें मार दो शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा चरण शरण करि जोरी मनावो यही अवसर अब कही दोहराओ उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परो कर जोरी मनाई ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हंग हाक दैत कपि चंचल ओम संत सामी पराने खल दल अपने जन को तुरतो बारो सुमिरत होय आनंद हमारो यह बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे पाठ करे बजरंग बाण हनुमत रक्षा करे प्राण की यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे रूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा प्रेम प्रतीति ही कपी धजे सदा हरे उर ध्यान
के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान सिद्ध करे बाधा नाशक मंत्र। शत्रु मर्दिनी ओम त्वमेव साक्षात् शत्रु मर्दिनी साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री अंबिका देवी ओम त्वमेव साक्षात् श्री अंबिका देवी साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। मधुसूदन ओम त्वमेव साक्षात् मधुसूदन साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। तारकासुर संहंत्री ओम त्वमेव साक्षात् तारकासुर संहंत्री साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। निशुंभ शुंभ संहंत्री ओम त्वमेव साक्षात् निशुंभ शुंभ संहंत्री साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री दुर्गा माता जगदम्बा ओम त्वमेव साक्षात् श्री दुर्गा माता जगदम्बा साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री रक्षाकरी ओम त्वमेव साक्षात् श्री रक्षाकरी साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। राक्षसग्नि ओम त्वमेव साक्षात् राक्षसग्नि साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री चामुंडा ओम त्वमेव साक्षात् श्री चामुंडा साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। मधुकैटभ हंत्री ओम त्वमेव साक्षात् मधुकैटभ हंत्री साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। नरकांतक ओम त्वमेव साक्षात् नरकांतक साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री शिव शक्ति
पुत्र कार्तिकेय। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिव शक्ति पुत्र कार्तिकेय, साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री कार्तिकेय। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय, साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सर्वासुर मर्दिनी। ओम त्वमेव साक्षात् सर्वासुर मर्दिनी, साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सर्व बाधा विनाशिनी। ओम त्वमेव साक्षात् सर्व बाधा विनाशिनी, साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सर्व असत्य गुरु मर्दिनी। ओम त्वमेव साक्षात् सर्व असत्य गुरु मर्दिनी, साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सर्व भय हारिणी रुद्र रूपा। ओम त्वमेव साक्षात् सर्व भय हारिणी रुद्र रूपा, साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में आज नवरात्रि के छठे दिन षष्ठी को हम यहाँ एकत्रित हैं और सामूहिक रूप से श्री माता जी की माँ कात्यायनी स्वरूप में पूजन करना चाहते हैं, वंदन करना चाहते हैं, ध्यान धरना चाहते हैं। माँ कात्यायनी जो माँ भगवती का बाल स्वरूप है, जिन्होंने महर्षि कात्यायन के भगवती पराम्बा के कठोर तपस्या के बाद उन्हें वरदान दिया, तो उन्होंने वरदान में मांगा कि माँ भगवती उनके घर छोटी बच्ची रूप में, उनकी पुत्री के रूप में आए। माँ कात्यायनी हमारे हर तरह के रोगों को, पापों को हर लेती हैं और हमें काम, मोक्ष, अर्थ, हर प्रकार के सांसारिक और आध्यात्मिक वरदान प्राप्त होते हैं। माँ कात्यायनी बहुत ही दिव्य और तेजसी स्वरूप में विद्यमान है हमारे आज्ञा चक्र में। माँ कात्यायनी हमारे आज्ञा चक्र पे विराजती हैं और आज्ञा चक्र की पालना श्री जीसस क्राइस्ट करते हैं। श्री गणेश और श्री कार्तिकेय का दो हाफ का जब मिल के संपूर्ण बनता है, ब्रह्मांड बनता है, वो ही श्री जीसस क्राइस्ट स्वरूप में हम पहचानते हैं हमारे आज्ञा चक्र पे। आज्ञा चक्र पे श्री जीसस क्राइस्ट हमें क्षमाशीलता की शक्ति देते हैं, जो एक बहुत महान शक्ति है और सरलता से प्राप्त करना इसे संभव नहीं, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ही सुगम है, सहज है। आज्ञा चक्र
दो पंखुड़ियों का होता है और कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसके बीज बंध हम अक्षम है, शम हमारे दाई ओर और हम हमारे बाई ओर। जब हम शम का उच्चारण दो बार करते हैं तो हमारा ये मंत्र फलित हो जाता है और आज्ञा चक्र जो हम देख रहे हैं ये खुल जाता है। एज वी कैन क्लियरली सी आज्ञा चक्र त्रिकोणाकार जो आकार है ओम का अर्थात माँ कुंडलनी को परिलक्षित करता है। माँ कुंडलनी आज्ञा चक्र में यदि ना पहुंचे तो वो हमारे ब्रह्मरंध्र का भेदन नहीं कर पाएंगे। तो श्री गणेश और श्री कार्तिकेय के सहयोग से ये कार्य संभव होता है जीसस क्राइस्ट रूप में। हमारे आज्ञा चक्र भी जैसा कि हम जानते हैं हमारे हर चक्र भी कोई ना कोई ग्रह नवग्रह विराजित है और उसको आशीर्वादित करते हैं और कुपित होने पे शापित भी। हमारा आज्ञा चक्र प्रकाश और ऊष्मा से खुलता है। जब सूर्य देव हमारे आज्ञा चक्र पे फ्रंट में और बैक आज्ञा चक्र में अपना प्रभाव दिखाते हैं प्रसन्न होते हैं तो ये गर्मी पाके धीरे धीरे खुलने लगता है और माँ कुंडलनी के लिए बीच में से रास्ता बन जाता है। आज के इस ध्यान में हम लोग सबसे पहले माँ की अमृत वाणी सुनते हैं और फिर उसके बाद ध्यान की ओर अग्रसर होंगे। सब लोग अपने चित्त को पूरी तरह से शांत करेंगे, निर्विचारिता में आ जाएंगे, संतुलन श्री गणेश श्री हनुमान ने हमें प्रदान किया उनके वंदन करने से वो प्रसन्न हुए। लेफ्ट और राइट पूरे संतुलन में है। अपने चित्त को सुषुम्ना नाड़ी में और उसके भी अंदर स्थित ब्रह्म नाड़ी में रख लेंगे। अपने चित्त को अपनी आत्मा पे रखेंगे आत्मा के अंदर पूरी तरह से उतर जाएंगे ताकि हमारा चित्त प्रकाशमय हो जाए। बाएं हृदय के अंदर आज हम लोग यहाँ शक्ति की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभी तक अनेक संत साधुओं ने ऋषि मुनियों ने शक्ति के बारे में बहुत कुछ लिखा और बताया और जो शक्ति का वर्णन उन्होंने अपने गद्य में नहीं कर पाए उसे उन्होंने पद्य में किया और उस पर भी इसके बहुत से अर्थ भी जाने। लेकिन एक बात शायद हम लोग नहीं जानते कि हर मनुष्य के अंदर ये सारी शक्तियां सुप्तावस्था में है और ये सारी शक्तियां मनुष्य अपने अंदर जागरूक कर सकता है। ये सुप्तावस्था की जो शक्तियां हैं उनका कोई अंत नहीं, नहीं उनका कोई अनुमान कोई दे सकता।
क्योंकि ऐसे ही 35 कोटि तो देवता आपके अंदर विराज, उसके अलावा न जाने कितनी शक्तियों को चला रहे हैं। लेकिन इतना हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमने आज आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है तो उसमें जरूर कोई न कोई शक्तियों का कार्य हुआ। उस कार्य के बगैर आप आत्म साक्षात्कार को नहीं प्राप्त कर सकते। ये आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते वक्त हम लोग सोचते हैं ये सहज में हो गया, पर सहज में दो अर्थ, एक तो सहज का अर्थ ये भी है कि आसानी से हो गया, सरलता से हो गया, और दूसरा अर्थ ये होता है कि जिस तरह से जीवंत क्रिया अपने आप घटित हो जाती है उसी प्रकार आपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया। लेकिन ये जीवंत क्रिया जो है इसके बारे में अगर आप सोचने लग जाएं तो आपकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी। समझ लीजिए ये आपने एक पेड़ देखा, इस पेड़ की ओर आप नजर करिए तो आप ये सोचेंगे कि भाई ये फलाना पेड़ है, लेकिन इस पेड़ को इसी रूप में ऐसा ही इतना ही ऊंचाई पर लाने वाली कौन सी शक्ति है? किस शक्ति ने इसको यहाँ पर इस तरह से बनाया है कि जो वो अपने सीमा में रह करके और अपने स्वरूप रूप उसी के साथ चलता रहे? सबसे जो कमाल की चीज है वो मानव मनुष्य जो बनाया गया है, वो भी एक विशेष रूप से, एक विशेष विचार से बनाया गया है। और वो मनुष्य का जो भविष्य है वो उसे प्राप्त हो सकता है, उसको मिल सकता है, पर उसकी पहली सीढ़ी है आत्म साक्षात्कार। जैसे कि कोई दीप जलाना हो तो सबसे पहले है कि उसके अंदर ज्योति आनी पड़े। उसी प्रकार एक बार आपके अंदर ज्योति जागृत हो गई तो आप उसको फिर से प्रज्वलित कर सकते हैं या उसको आप बढ़ा सकते हैं, पर प्रथम कार्य है कि ज्योति प्रज्वलित हो और उसके लिए आत्म साक्षात्कार नितांत आवश्यक है। किंतु आत्म साक्षात्कार पाते ही सारी ही शक्तियां जागृत नहीं हो सकती, इसीलिए ये साधु संतों ने और ऋषि मुनियों ने व्यवस्था की है कि आप देवी की उपासना करें। लेकिन जो आदमी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है उसको अधिकार नहीं है कि वो देवी की पूजा करे। बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि वो सप्त सदी का कभी अगर पाठ करें और उनका यह हवन करते हैं तो उनको बड़ी आफतें आ जाती हैं और उनको बड़ी तकलीफ हो जाती है और वो बहुत सफर करते हैं। तो उनसे ये पूछना चाहिए कि आपने किससे करवाया, तो कहेंगे कि हमने 7 ब्राह्मणों को बुलाया था क्या, पर वो ब्राह्मण नहीं, इन्होंने ब्रह्म को जाना नहीं, वो ब्राह्मण नहीं। और ऐसे ब्राह्मणों से कराने से ही देवी ना पुष्ट हो गई और आपको तकलीफ हुई। तो आपके अंदर एक बड़ा अधिकार है कि आप देवी की पूजा कर सकते हैं और साक्षात देवी पूजा कर सकते हैं। ये अधिकार सबको नहीं है, अगर कोई कोशिश करे तो उसका उल्टा परिणाम हो सकता है, उसका विपरीत परिणाम हो सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि शक्ति जो है वो जितनी ही आपको आराम दे रही है, जितनी वो आपके सर्जन का व्यवस्था करती है, जितनी वो आपके प्रति उदार और प्रेममयी है, उतनी ही वो क्रूर और क्रोधमयी है। कोई बीच का मामला नहीं है, या तो अति उदार है और या तो अति क्रोधित है, बीच में कोई मामला चलता नहीं। वजह यह है कि जो लोग वहां दुष्ट है, राक्षस है, और जो संसार को नष्ट करने पे आमादा है, जो लोगों को भूल भुलैया में लगाए हुए हैं और कलयुग में अपने को अलग अलग बता करके कोई साधु बना है तो कोई पंडित बना हुआ है, कोई मंदिरों में बैठा है तो कोई मस्जिदों में बैठा है, कोई मुल्ला बना हुआ है, कोई पोप बना हुआ है, तो कहीं कोई पॉलिटिशियन बना हुआ है, ऐसे अनेक अनेक
कपड़े परिधान करके जो अपने को छिपा रहा है, जो कि राक्षसी वृत्ति का मनुष्य है, उसका नाश होना आवश्यक है। लेकिन ये जो नाश की शक्तियां हैं, इसके तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। आप सिर्फ इच्छा मात्र करें और ये शक्तियां अपने ही आप कार्य कर लें। तो सारे संसार जो ये चैतन्य बह रहा है, ये उसी महामाया की शक्ति है और इस महामाया की शक्ति से ही सारे कार्य होते हैं। और ये शक्ति सब चीज सोचती है, जानती है, सबको पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से लाती है, जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइज कर लेती है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये आप पर प्रेम करती है और उसका प्रेम निर्वाज है। इस प्रेम में कोई भी मांग नहीं, सिर्फ देने की इच्छा है, आपको पनपाने की इच्छा है, आपको बढ़ाने की इच्छा है, आपकी भलाई की इच्छा है। लेकिन इसी के साथ साथ जो चीजें कांटे बन करके आपके मार्ग में रुकावट डालेंगे, आपके धर्म में खलल डालेंगे या किसी भी तरह से आपको तंग करेंगे, ऐसे लोगों का नाश करना अत्यावश्यक है। लेकिन उसके लिए आप अपनी शक्ति न लगाएं। आपको सिर्फ चाहिए कि आप उस शक्ति के लिए सिर्फ पाचारण करें, आवाहन करें देवी का, और उनसे कहिए कि ये जो अमानुष लोग हैं, इनका आप नाश करें। आज का विषय आपके सामने बताया गया है, बड़ा ही मनोरंजक तथा आकर्षक है। कुंडलिनी और ईसा मसीह, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, सर्वसाधारण सामान्य लोगों के लिए ये बहुत ही अभिनव बात है। और इस तरह कभी भी कोई संबंध आज तक किसी ने उसका जोड़ा नहीं था। इसका कारण यह है कि धर्म के वृक्ष में जब जब फूल खिले हैं, तो वो अनेक प्रांतों में, अनेक देशों में, अनेक भाषाओं में सुगंधित रहे। लेकिन उनका संबंध आपस में क्या बना रहा, वो सिर्फ वृक्ष ही जान सकता है। जहां जहां वो खिले हैं, जहां जहां उनकी सुगंध फैली है, वहां के लोगों ने उन्होंने कभी अपनाया नहीं, तो फिर और लोग इसे कैसे जान सकते थे या समझ सकते थे कि ये फूल एक ही वृक्ष में लगे हुए। अब हम उस तरफ से बात कर रहे हैं जहां पर आपको अभी तक पहुंचाया नहीं गया। जब आप वहां पहुंच जाइएगा, तब हमारी बात आपको बहुत आसानी से समझ आएगी, क्योंकि जो भी हम कह रहे हैं वो सत्य है या असत्य है, ये जानने का आपके पास कोई तरीका नहीं, उसका सबूत आपके पास कोई नहीं। आप कैसे जानिएगा कि हम जो कह रहे हैं ये सच है या झूठ? इसका जानने का तरीका जो है वो ये है कि आपको अपना ही अर्थ अभी तक लगाना। आप अभी तक उस स्तर पर नहीं है जहां आप सत्य से संबंधित हो गए हो। इसी कारण कोई चीज सत्य है या असत्य है, सिर्फ ये किंवदंती है या कोई मन की गढ़ी हुई बात है, ये आप नहीं बता सकते। जो लोग जिसे हम कहते हैं पार हो गए हैं, वो इस बात का पूरा तरह से परिचय पा सकते हैं कि कौन सी बात सच है और कौन सी बात झूठ है, क्योंकि उनके हाथ से जो तरंग बह रहे हैं, जो कल हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया था और बहुत से लोगों के हाथ से जो ये तरंगे बहने लगे थी, उस पर आप गरी से आंकें तो आप समझ सकते हैं कि जो बात हम कह रहे हैं पूर्ण सत्य है। ईसा मसीह के बारे में ईसाई लोग सिर्फ उसे बाइबल से जानते हैं, जो कि बड़ी गूढ़ किताब है। उसकी गूढ़ता इतनी है कि उसका कोई भी अर्थ ये लोग न लगाने के कारण कुछ न कुछ भी प्रयास करते हैं। जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है कि आई विल अपियर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम्स, इसका अर्थ वो लोग नहीं दे सकते,
वो सोचते हैं कि जब भगवान सामने आएंगे तो उनके अंदर से इस तरह से ज्वालाएं निकलती रहेंगी। इसका अर्थ ये नहीं, इसका अर्थ ये है कि हम सहस्त्रार में तुम्हें दिखाई देंगे। सहस्त्रार का वर्णन है, अनेक तरह से कुंडलिनी का वर्णन बाइबल में है, असंख्य उसके कोटेशंस आपको हम दे सकते हैं। ईसा मसीह ने कहा है कि दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ मी, जो मेरे खिलाफत में नहीं है वो मेरे साथ है। ईसाइयों से जाकर अगर आप पूछें कि ये कौन लोग हैं तो उनको इनका पता नहीं, उन्होंने तो ये बना लिया है कि ईसा मसीह ने कहा था कि आई एम द पाथ, आई एम द डोर, मैं रास्ता हूं और मैं दरवाजा हूं, लेकिन ये नहीं कहा था कि आई एम द डेस्टिनेशन, कि मैं मंजिल हूं, ये बात उन्होंने नहीं कही थी। अगर उन्होंने कहा था मैं रास्ता हूं और मैं दरवाजा हूं तो फिर मंजिल कोई और होती। इतने गूढ़ भाषाओं में बात करने के बाद भी उस जमाने के जो दुष्ट लोग थे, 4 साल के अंदर, सिर्फ 4 साल उनको जीने दिया, 4 साल के अंदर उन्हें क्रॉस पर चढ़ा दिया गया। और आज भी जो लोग उनको मानते हैं और कहते हैं कि हम उनके धर्म का पालन करते हैं, वो भी हर दिन उनके सारे जो तत्व हैं उनकी बलि चढ़ाते रहते हैं। जैसे मैंने आपसे कल कहा था कि हिंदू लोग भी उतने ही बेवकूफ हैं जितने मुसलमान, उतने ही ईसाई। ईसा मसीह के बारे में अगर आप देवी भागवत पढ़ सकें कभी, तो उसमें आपको इसका पता लगेगा कि श्री राधा जी ने अपने ही मनोबल से इनका निर्माण किया है, जिसका नाम उन्होंने महाविष्णु बनाया है। इसको 2 हिस्से में, एक अंडाकृति उन्होंने बनाया था। इस अंडाकृति का जो बेस है वो श्री गणेश है। श्री गणेश ही मूलतः जीसस क्राइस्ट की शक्ति है। और जो दूसरा अंडाकृति का भाग है वो जिसे हम षडानंद कहते हैं, षणमुखानंद कहते हैं, इसको कार्तिकेय कहा जाता है, वो हिस्सा। इस पूर्ण अंडे में जो प्राण है वही ईसा मसीह है। पूर्ण ब्रह्म तत्व ओंकार जो है वही ईसा मसीह है। कुंडलिनी का सारा ही अस्तित्व उनकी वजह से है कहना चाहिए, और वही कुंडलिनी के आधार पर बैठे रहते हैं। श्री राधा जी ने इनको जनन किया था, ये आपको अगर आप देवी जी का पुराण पढ़ें तो पता होगा। पर मार्कंडेय को पढ़ने के लिए हमारे आज के मॉडर्न लोग कहाँ तैयार हैं। मार्कंडेय जैसा दृष्टा आपको कहीं ढूंढे से नहीं मिलेगा। एक से एक बारीक चीज़ें देवी की उन्होंने बताई हुई है कि देवी की क्या पहचान है, देवी किस तरह से कपड़े पहनती है, देवी के क्या उनके शौक हैं, वो किस तरह की है, उनका चलन वलन सब, हर एक बारीक बारीक इतनी बातें उन्होंने बताई हुई है कि कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि किस कदर इन्होंने इतनी बातें जानी। लेकिन हमारे आजकल के जो आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित जो लोग हैं वो तो यह भी मानने को तैयार नहीं है कि संसार में देवी नाम की भी कोई चीज़ होती है और दैवी शक्ति नाम की भी कोई चीज़ होती है। हालांकि आज अंग्रेज इस तरफ मुड़ रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी तो अभी भी बहुत बड़े अंग्रेज बने हुए। मैं बहुत बार कहती हूँ कि अंग्रेज़ों के टेल कोर्स छोड़ करके हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादा अंग्रेज़ हैं बनिस्बत इंग्लैंड में। मार्कंडेय पुराण मेरे ख्याल से आप लोगों में से बहुत ही कम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन उसमें अगर आप पढ़ें तो महाविष्णु की स्थापना, उस पर आप अगर ध्यान दें तो आप समझ जाइएगा कि ये पूरे पूर क्राइस्ट का ही या ख्रिस्त का ही पूरे पूर वर्णन है। जय श्री माता जी। ध्यान की ओर अग्रसर होंगे, अपने चित्त को पूरी तरह अपनी आत्मा में रखेंगे, बाएं हृदय के अंदर अंदर उतर जाएंगे, चित्त के माध्यम से बाएं हृदय में स्थित अपनी आत्मा को जो अंगूठी के आकार की शिवलिंग के आकार का प्रकाश है उसको पाएंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वरी, आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूं, हे माँ कुंडलिनी,
मुझे शुद्ध आत्मा बना दीजिए। धीरे से अपने चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे। हमारा चित्त जो प्रकाशित है हमारी आत्मा से, और ये आत्मा माँ जगदम्बा का वंदन करना चाहती है। माँ जगदम्बा के दरबार में पूरा वैकुंठ समाया है, सभी देवी देवता विराजित हैं यहाँ। श्री गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, ये प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, ये विघ्नहर्ता गणेश जी, कृपा कीजिए मेरे आज के पूजन को, ध्यान को निर्विघ्न संपन्न करें, सिद्ध करें। ये प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, आपका ब्रह्म चैतन्य हम सबको प्राप्त, कृपा कीजिए शिकायत कीजिए जो माँ के दरबार में स्थित है, दाई ओर प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु कार्तिकी, आप ही कल की, आप निष्कलंक, आप राक्षसों का वध करते हैं, कृपा कीजिए और कल्कि की समस्त शक्तियों को मेरे एकादश सूत्रों में जागृत कर दीजिए। कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, अपने चित्त को माँ जगदम्बा के श्री चरणों में रखेंगे। 35 करोड़ देवी देवता जो यहाँ विराजित है सबको नमन करेंगे। हे माँ जगदम्बा, आपकी कृपा से ये समस्त शक्तियां, सभी देवी देवताओं के गुण और शक्तियां मेरे भीतर जागृत है। ये जगत जननी जगदम्बा, पूरा ब्रह्मांड मेरे हृदय में समाया है। आपकी कृपा से पंच तत्व पूरी तरह से मेरे अनुसार चलते हैं। हे माँ जगदम्बा, आपकी कृपा से ग्रह नक्षत्र मेरे अनुकूल व्यवहार करते हैं। ये जगत जननी जगदम्बा, आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अपने चित्त को मध्य हृदय से उठाएंगे, विशुद्धि चक्र मिलाएंगे। श्री राधा कृष्ण जो श्री जीसस क्राइस्ट के माता पिता है, नमन करेंगे। उनकी कृपा से हमें श्री क्राइस्ट के, श्री महाविष्णु के शक्तियां प्राप्त जागृत, ऐसी वंदना करेंगे। कृपा कीजिए
श्री राधा कृष्ण जी मार्ग प्रशस्त कीजिए। पूरा चित्त विशुद्धि चक्र में महसूस करेंगे ऐसे रीढ़ की हड्डी में पीछे की तरफ घूमता हुआ विशुद्धि चक्र ब्रह्म नाड़ी पे तेरे से ऊपर आएंगे श्री महाविष्णु श्री जीसस क्राइस्ट आप ही के अंदर श्री गणेश श्री कार्तिकेय की शक्तियां निहित है अंतर्निहित है। माँ कुंडलिनी को आप ही मार्ग दे दी आप ही स्वर्ग भी हमारा पद निश्चित करते आप ही वो द्वार है जिससे हम परमात्मा के साम्राज्य में आते ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति क्षमा आप ही हमको प्रदान करते हैं। Oh my Lord, Jesus, we forgive everyone, including ourselves. You also forgive us for whatever wrong we have done against you, against divine. Please forgive us. पूरा चित्त आज्ञा चक्र की दोनों पंखुड़ियों पे रखेंगे हम शम हम शम हल्के पड़ रहे हैं हमारी कनपटियों तक बाई और दाई आज्ञा चित्त को धीरे से बैक आके मिले जाएंगे। श्री महागणेश को नमन करेंगे। हे प्रभु श्री महागणेश श्री महाविष्णु ने श्री क्राइस्ट ने मुझे क्षमा किया मुझे शक्ति दी सबको क्षमा करने की आप भी कृपा करें परमात्मा के साम्राज्य में जाने के लिए मेरी बैक आज्ञा को खोल दे मेरे पूर्वजों को क्षमा कर दे उनको मेरी बैक आज्ञा से मुक्त कर दे श्री महागणेश जी के श्री चरणों में वंदन करेंगे आपको अनंत कोटि नमन अनंत कोटि धन्यवाद श्री माता जी कृपा कीजिए इस रूप से मुझे आशीर्वादित कीजिए महसूस करेंगे बैक आज्ञा अब धीरे धीरे से अपने चित्त को
ऊपर उठता हुआ महसूस करेंगे, आकाश में सूर्य देव और उनकी रश्मियां, उनकी किरणें हमारी चारों आज्ञाओं पे पड़ रही है। फ्रंट, लेफ्ट, राइट एंड बैक, नहाएंगे सूर्य की रश्मियों में। चारों आज्ञाओं पे सूर्य की किरणें, धीरे से अपने चित्त को भ्रमरंध्र पे लाएंगे। श्री माता जी के सुंदर श्री चरण नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर आपके श्री चरणों से बहता हुआ परम चैतन्य मेरी सभी नसों नाड़ियों में प्रवाहित हो जाए। महसूस करेंगे परम चैतन्य बरस रहा है और हम पूरी तरह से नहा रहे हैं परम चैतन्य में। प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर आप ही मेरे नसों में बहने वाला ज्ञान प्रेम, आप ही प्रेम की शक्ति, कृपा कीजिए और अपनी शक्तियों के द्वारा मेरा योग श्री सदा शिव से करा दीजिए माँ, करा दीजिए माँ। अपने चित्त को धीरे धीरे उठाते जाएंगे अर्ध बिंदु चक्र, बिंदु चक्र वाले आकाश, आकाश से पूरा चित्त समूचे ब्रह्मांड में पूरे विश्व अंतरिक्ष की ओर चेता उन्मुख होंगे, ग्रह नक्षत्रों के सबको नमन करेंगे, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य देव, चंद्रमा, अरुण, वरुण, सबके साथ एकाकारिता जिस पर मेड, सबकी शक्तियां हमारे भीतर आकाश गंगाओं से
नेबुला से सबसे परे चले गए, भेदन कर देंगे अंतरिक्ष का, शून्य सरोवर पे आएंगे, जहोर परम चैतन्य श्री सदाशिव विराजे एकदम मध्य में बैगनी रंग का प्रकाश, त्रिशूल गलों में सर्प, अर्धचंद्र, गंगा, श्री चरणों में सर रख देंगे। हे प्रभु, आपके सुंदर स्वरूप को देखने योग्य बनो, ऐसी दिव्य दृष्टि दीजिए। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूँ, हे सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर, अपना संपूर्ण ज्ञान, प्रेम, दया, ममता, करुणा, शांति, क्षमा मुझे प्रदान करें, मुझे एकाकारिता प्रदान करें, योग प्रदान करें, धीरे धीरे प्रभु के अंदर समा जाएंगे, समा जाएंगे, महायोग आनंद लेंगे, प्रयास करेंगे धीरे धीरे अलग होने का, श्री चरणों में सर रखेंगे। हे प्रभु, मन वचन या कर्म से, शरीर के किसी भी अंग से, हाथ पैर से, आंखों से, कानों से, यदि कोई भी अपराध हुआ परमात्मा के खिलाफ, तो मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, शिव शंभु, क्षमा करें। धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे, आकाश गंगाओं से होते हुए आकाश में आएंगे, और एक बार पूरे विश्व में अपने साथ, अपने चित्त के साथ आता हुआ परम चैतन्य फैलाएंगे, पूरे विश्व का मानचित्र चित्त में रखेंगे, पूरा अमेरिका, पूरा अफ्रीका,
यूरोप, एशिया, रशिया, यूक्रेन, सब जगह प्रेम की वृष्टि, परम चैतन्य की वर्षा, ऑस्ट्रेलिया, हमारे चित्त से सब जगह प्रेम की वर्षा हो रही है। पूरे विश्व पे चित्त, हमारे देश पे चित्त, हमारे शहर पे चित्त, हमारी सोसाइटी, हमारे घर पे चित्त, और हमसे जुड़े सब लोगों पे, समाज पे, हमसे जुड़े जो भी लोग, सबके अंदर प्रेम और सत्य जागृत हो परम चैतन्य के द्वारा। नकारात्मकताओं का अंत पूर्णतया, पूरे परिवार पे चित्त रखें, अपनी सहस्त्र आएंगे श्री माता जी के श्री चरणों में, नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे इस गहन ध्यान के लिए। आपको अनंत कोटि नमन श्री माता जी, आपने जो क्षमा की शक्ति प्रदान की मनुष्य को, आज्ञा चक्र पार कराया श्री जीसस क्राइस्ट रूप में, आपके स्वरूप को भी नमन श्री माता जी। थैंक यू श्री माता जी फॉर एवरीथिंग। धीरे धीरे चित्त को आज्ञा चक्र मिला के परम चैतन्य को फैलने देंगे। श्री यीशु क्रिस्त के 108 नाम। ओम श्री आज्ञा चक्र स्वामिने नमो नमः। ओम श्री सूर्याय नमो नमः। ओम श्री क्षमा प्रदायकाय नमो नमः। ओम श्री क्षमा स्वरूपाय नमो नमः। ओम श्री शमदम वैराग्य तितिक्षा प्रदायकाय नमो नमः। ओम श्री ओंकाराय नमो नमः। ओम श्री चैतन्याय नमो नमः। ओम श्री आदिपुरुषाय नमो नमः। ओम श्री सहस्रशीर्षाय नमो नमः। ओम श्री सहस्राक्षाय नमो नमः। ओम श्री विष्णवे नमो नमः। ओम श्री विष्णुसुताय नमो नमः। ओम श्री महाविष्णवे नमो नमः। ओम श्री अनंतकोटि ब्रह्मांड धारकाय नमो नमः। ओम श्री हिरण्यगर्भाय नमो नमः। ओम श्री पूर्वघोषिताय नमो नमः। ओम श्री ब्रह्मा विष्णुरुद्रसेविताय नमो नमः। ओम श्री पावित्र्य प्रदायकाय नमो नमः। ओम श्री गोपालाय नमो नमः। ओम श्री गोसेविताय नमो नमः। ओम श्री कृष्णसुताय नमो नमः। ओम श्री राधानंदनाय नमो नमः। ओम पापनाशकाय नमो नमः। ओम पापविमोचकाय नमो नमः। ओम श्री प्रकाशाय नमो नमः। ओम श्री आकाशाय नमो नमः। ओम श्री अग्नये नमो नमः।
ओम श्री महाकारुण्य रूपिणे नमो नमः। ओम श्री तपस्विने नमो नमः। ओम श्री हमक्षम बीजाय नमो नमः। ओम श्री आत्मने नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम श्री अमृताय नमो नमः। ओम श्री आत्मतत्वजाताय नमो नमः। ओम श्री शांताय नमो नमः। ओम श्री निर्विचाराय नमो नमः। ओम श्री आदि आज्ञा चक्रस्थाय नमो नमः। ओम श्री कल्किने नमो नमः। ओम श्री एकादश रुद्र सेविताय नमो नमः। ओम श्री उत्क्रांति तत्वाय नमो नमः। ओम श्री उत्क्रांति आधाराय नमो नमः। ओम श्री सर्वोच्चाय नमो नमः। ओम श्री महत्मनसे नमो नमः। ओम श्री महदहंकाराय नमो नमः। ओम श्री तुरीया स्थिति प्रदायकाय नमो नमः। ओम श्री तुरीयावासिने नमो नमः। ओम श्री द्वाराय नमो नमः। ओम श्री कार्तिकेयाय नमो नमः। ओम श्री महागणेशाय नमो नमः। ओम श्री अबोधिता स्वरूपाय नमो नमः। ओम श्री अबोधिता प्रदायकाय नमो नमः। ओम श्री शुद्धाय नमो नमः। ओम श्री मांगल्य प्रदायकाय नमो नमः। ओम श्री औदार्याय नमो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नेत्र तेजसे नमो नमः। ओम श्री परिपूर्ण सहज योगिने नमो नमः। ओम श्री आदि सहज योगिने नमो नमः। ओम श्री श्रेष्ठ सहज योगिने नमो नमः। ओम श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देवी प्रियंकर्त्रे नमो नमः। ओम श्री शाश्वताय नमो नमः। ओम श्री स्थाणवे नमो नमः। ओम श्री सच्चिदानंद घनाय नमो नमः। ओम स्वैराचार नाशकाय नमो नमः। ओम धर्म मार्तंड नाशकाय नमो नमः। ओम श्री निरीक्षाय नमो नमः। ओम श्री धनदाय नमो नमः। ओम श्री शुद्ध श्वेताय नमो नमः। ओम श्री आदिबालकाय नमो नमः। ओम श्री आदिब्रह्मचारिणे नमो नमः। ओम श्री पुरातनाय नमो नमः। ओम श्री अल्फा ओमेगान्विताय नमो नमः। ओम श्री समस्त साक्षिणे नमो नमः। ओम श्री ईशपुत्राय नमो नमः। ओम श्री मोहवर्जिताय नमो नमः। ओम ममताहंत्रे नमो नमः। ओम श्री विवेकाय नमो नमः। ओम अघोरनाशकाय नमो नमः। ओम श्री ज्ञानरूपाय नमो नमः। ओम श्री सद्बुद्धिदायकाय नमो नमः। ओम श्री सूज्ञाय नमो नमः। ओम श्री पूर्णनम्राय नमो नमः। ओम भौतिकतानाशकाय नमो नमः। ओम अहंकारनाशकाय नमो नमः। ओम प्रतिअहंकारशोषकाय नमो नमः। ओम अशुद्धेच्छानाशकाय नमो नमः। ओम श्री हृद्मंदिरस्थाय नमो नमः। ओम अगुरुनाशकाय नमो नमः। ओम असत्यखंडनाय नमो नमः।
ओम वंशभेदनाशकाय नमो नमः, ओम क्रोधनाशकाय नमो नमः, ओम श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी प्रियपुत्राय नमो नमः, ओम श्री आदिशक्ति अर्चिताय नमो नमः, ओम श्री प्रतिष्ठान क्षेत्र निवास कृते नमो नमः, ओम श्री कबेला वासिने नमो नमः, ओम श्री सहस्रार द्वार वासिने नमो नमः, ओम श्री निष्कलंकाय नमो नमः, ओम श्री नित्याय नमो नमः, ओम श्री निराकाराय नमो नमः, ओम श्री निर्विकल्पाय नमो नमः, ओम श्री लोकातीताय नमो नमः, ओम श्री गुणातीताय नमो नमः, ओम श्री महायोगिने नमो नमः, ओम श्री नित्यमुक्ताय नमो नमः, ओम श्री अव्यक्तमूर्तये नमो नमः, ओम श्री योगेश्वराय नमो नमः, ओम श्री योगधाम्ने नमो नमः, ओम श्री योगस्वरूपाय नमो नमः, ओम श्री येशुख्रिस्ताय नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब हम सब लोग पार्थी की तैयारी करेंगे। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, जग में संकट कारण कितने दिए अवतार माँ, कितने दिए अवतार, विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा, तू गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको माँ, सुख ही मिला उसको, बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, मानव में अब करके कर दिया उजियाला माँ, कर दिया उजियाला, कलयुग में माया है, कलयुग में माया है,
है फिर भी पहचाना माँ सबको दुआ देना सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना जय निरमल माताजी जय निरमल माताजी दिल में सदा रहना माँ सबको दुआ देना संत जनों की धरती है भारत माता माँ है भारत माता इस धरती पर आकर इस धरती पर आकर दुख से दूर करना माँ सबको दुआ देना सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना जय निरमल माताजी जय निरमल माताजी दिल में सदा रहना माँ सबको दुआ देना जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो माँ मधु संगीत सुन लो हो सके जो सेवा हो सके जो सेवा हमसे करा लेना माँ सबको दुआ देना सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना जय निरमल माता जी जय निरमल माता जी दिल में सदा रहना माँ सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना मोक्ष प्रदायिनी
सुखी रखे, मेरा पूर्ण आशीर्वाद आपके साथ, मेरा हृदय मन शरीर पूरी समय आप ही की सेवा में संलग्न है, मैं एक पल भी आपसे दूर नहीं। जब भी आप मुझे सिर्फ आंख बंद करके याद कर लें, उसी वक्त मैं पूर्ण शक्ति लेकर के शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लयी सिधार, एक क्षण भी विलंब नहीं लगेगा, लेकिन आपको मेरा होना पड़ेगा, ये जरूरी है। अगर आप मेरे हैं तो एक क्षण भी मुझे नहीं लगेगा मैं आपके पास आ जाऊं। सबको परमात्मा सुखी रखे और सुबुद्धि दे। सम्मति से रहो, सम्मति से रहो। जय श्री माता जी। माँ के इन्हीं आशीर्वचनों के साथ आज का ध्यान यही हम कंक्लूड करते हैं। परमेश्वरी से सदैव यही प्रार्थना है, हे परमेश्वरी, आप हर पल हर वक्त हर क्षण हमारे साथ रहें और जाने अनजाने हमसे जो भी कोई गलती हो जाती हो श्री माता जी, तो हमें क्षमा करें। हम आपके हैं, हमारा जीवन आपका है, हमारा सर्वस्व आपका है श्री माता जी। हम सिर्फ आपके यंत्र बने रहना चाहते, यही हमारी शुद्ध इच्छा, यही हमारी शुद्ध इच्छा, यही हमारी शुद्ध इच्छा। जय श्री माता जी। सबको बहुत जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अलका बेटा, सभी भाई बहनों को जय श्री माता जी। थैंक यू माँ, थैंक यू अलका बेटा, सभी सामूहिकता को थैंक यू। जय श्री माता जी। बहुत सुंदर ध्यान दीदी, सभी लोगों को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी, सभी को जय श्री माता जी।